तो नमस्कार दोस्तों, DLX 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो डिटर्जेंट पाउडर का कोर्स चल रहा है उसका क्लास नंबर 8 है ये। दोस्तों, आज हम जानेंगे सल्फेट और फास्फेट्स के बारे में। दोस्तों, सल्फेट के बारे में अगर क्लास लंबा होगी तो कल जानेंगे, लेकिन आज हम फास्फेट्स के बारे में जानेंगे। ऑर्थो एंड कॉम्प्लेक्स फास्फेट्स। ऑर्थो एंड कॉम्प्लेक्स फास्फेट्स। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि फास्फेट हम मिलाते क्यों हैं, अपने डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट क्यों मिलाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग सूखी विधि से डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, मशीनों पे डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनाते हैं, तो फास्फेट्स उतनी ज़्यादा नहीं मिलाई जाती है, फास्फेट्स की प्रयोग नहीं की जाती है। मान के चलिए कि हमारे सभी फार्मूलों में फास्फेट का प्रयोग बहुत कम ही होता है, अगर हम सूखी विधि से बना रहे हैं तो। अगर हम मशीनों पे बना रहे हैं अपने डिटर्जेंट पाउडर को, तो इसमें दोस्तों फास्फेट अनिवार्य रूप से मिलाया जाता है, सोडा एस नहीं मिलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, सोडा एस हम लोग जब सूखी विधि से डिटर्जेंट पाउडर को बनाते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में सोडा एस मिलाई जाती है। सोडा एस में दोस्तों सफाई क्षमता होती है। और दोस्तों, बस यही कार्य फास्फेट्स का भी होता है। सॉरी दोस्तों बात रही कि कितनी सफाई क्षमता होती है, हम क्यों नहीं सोडा एस मिलाते, हम क्यों फास्फेट्स ही मिलाते हैं। तो दोस्तों, अगर सफाई की बात करें तो सोडा एस से लगभग 1.5 से 2 गुनी तक तो नहीं होती है, मतलब 1.5 गुनी तक ही मान के चलिए कि इसकी सफाई क्षमता होती है। 2 गुनी तक भी मान के चलिए, जैसे कुछ फास्फेट्स होते हैं जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जिनकी सफाई क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सोडा ऐसे सफाई क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन एक और बात है, आगे देखिए, इसकी सफाई क्षमता 1.5 से 2 गुनी तक ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी कीमत 3 से 4 गुनी तक ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, बात यही रही कि हम सोडा एस ज़्यादा नहीं मिला देंगे क्या, कि हम इतनी ज़्यादा महंगी फास्फेट्स को मिलाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हम आपको बताए, सोडा एस के क्लास में भी बताए, कल के क्लास में भी बताए, कि सोडा एस पानी से प्रतिक्रिया करके तुरंत अपनी समस्त शक्ति को खो देता है, लेकिन अगर बात करें हम फास्फेट्स की, तो दोस्तों कास्टिक सोडा की तरह फास्फेट्स भी महीनों पानी में पड़े रहने के बावजूद भी अपनी शक्तियां नहीं खोता है। दोस्तों, आप लोगों में से कई सब्सक्राइबर्स या कई व्यूअर्स हमारे पास कमेंट कर चुके हैं कि हमारा पाउडर हल्का नहीं होता है, बहुत भारी हो जाता है। दोस्तों, मैं सोडा एस की क्लास में आपको बताया था कि आप लाइट सोडा एस का यूज करें, जो काफ़ी हल्की होती है, जिससे आपकी पाउडर काफ़ी हल्की बनेगी। लेकिन दोस्तों, जो एरियल टाइप का पाउडर बनता है या फिर सर्फ एक्सल टाइप का पाउडर बनता है, वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है। टाइड पाउडर भी बहुत ज़्यादा हल्की होती है। तो दोस्तों, उनकी हल्की होने की राज यही होती है कि वो लोग फास्फेट्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि जैसे सर्फ एक्सल की ही बात करें, सर्फ एक्सल, तो दोस्तों सर्फ एक्सल में सोडा एस
कितनी परसेंट मिलाई जाती है, आपके जहन में भी ये सवाल आती होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्फ एक्सल में 1% भी सोडा एस नहीं मिलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि सोडा एस बिल्कुल सर्फ एक्सल में नहीं मिलाई जाती है, क्योंकि वह मशीनों पर बनाई जाती है जिसमें पानी का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। पहले उसका पेस्ट बनाई जाती है, उसके बाद से उसका जो बनाई जाती है पाउडर भुरभुरे रूप में तैयार होती है। दोस्तों उसका प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, मैं सर्फ एक्सल के बारे में भी आपको बताऊंगा। हालांकि उसे लगाने के लिए 50 से 100 करोड़ के आसपास रुपया लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी लगती है। मशीनों का काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयोग होता है। हालांकि एजुकेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों इसमें फास्फेट मिलाई जाती है, तो फास्फेट कैसे मिलाई जाती है, इसकी क्या गुण होती है, हम भी मिला सकते हैं, कैसे मिलाए आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले एसी सलरी, सोडा एस का तो हमने बताया कि प्रयोग नहीं होता है, लेकिन दोस्तों कोई भी बनाई जाती है डिटर्जेंट पाउडर तो एसी सलरी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, अनिवार्य रूप से। तो दोस्तों इसके लिए प्रोसेस यही होता है कि आप एसी सलरी में जो आपकी मात्रा बताई गई है पानी, आप एसी सलरी में पानी को डालें और फिर उसमें जो भी फास्फेट आपके पास है प्लस में फास्फेट फास्फेट को डालें, फास्फेट को डालते जाएं और उसे चलाते जाएं। इसके लिए मिक्सर मशीन ही अच्छी रहती है। अगर आप छोटे स्तर पर के बना के चेक करना चाहते हैं तो आप हाथ से भी मिला के बना सकते हैं, उसमें फास्फेट मिलाए। अगर दोस्तों एसी सलरी में पानी ज़्यादा भी मिला देते हैं तो कोई बात नहीं, आप फास्फेट को कुछ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फास्फेट में एक गुण होती है, फास्फेट लगभग दो दिनों तक पानी को सोखती है और फूलती रहती है। दोस्तों यह इसके एक विशिष्ट गुण है। दोस्तों फास्फेट में बहुत ज़्यादा सफाई क्षमता होती है, एसी सलरी में तो सफाई क्षमता होती ही होती है, इससे ज़्यादा तो सफाई क्षमता और किसी भी रचक में नहीं होती है। लेकिन बात है सोडा एस की, तो सोडा एस से ज़्यादा सफाई क्षमता फास्फेट्स में पाई जाती है। दोस्तों फास्फेट उतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती है, अगर सूखी विधि से जो हम डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं उसमें अगर मिला दें तो उतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों इसके दो कारण है कि फास्फेट लगभग अगर 4 से 5 घंटे कम से कम 4 से 5 घंटे मतलब 10 से 12 घंटे अगर फूल जाए तब तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटे फूलने के बाद, जैसे सीएमसी का भी हम क्लास लेंगे, उसमें आपको बताएंगे सीएमसी कैसे वर्क करता है। तो उसी तरह दोस्तों फास्फेट कम से कम 4 घंटे पानी में अगर फूली रहती है, पानी में फूलने के बाद ही वर्क करती है। तो दोस्तों अगर हम लोग जो बनाते हैं पाउडर या अगर उसमें ऐसे ही फास्फेट को मिला के दे दें तो लोग 4 से 5 घंटे तो पाउडर को घोल के उसमें कपड़ा साफ करेंगे नहीं, तो दोस्तों उतनी ज़्यादा लाभ नहीं हो पाते। मैं कुछ फार्मूले में बताया भी हूँ या आगे फार्मूले में बताऊँगा कि सूखी विधि में हम कैसे फुलाने के बाद से सुखाने के बाद से उसे पीस कर फिर इसमें प्रयोग करते हैं, वो आगे हम बताएंगे, क्लास में बताएंगे जैसे हम फार्मूला सेट करेंगे वैसे। बस आप इतना जान लीजिए कि ये पानी में फूलने के बाद वर्क करता है। दोस्तों इसमें फूलने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आज एकदम पतला घोल हो, अगर पानी ज़्यादा हो गई हो और फास्फेट कम हो, अगर पतला घोल हो तो 2 दिन तक अगर छोड़ दे तो एकदम कीचड़ की तरह गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा 2 दिनों के बाद। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे जैसे फूलता जाएगा इसकी मात्रा ऐसे बढ़ती जाएगी, रुई की तरह बढ़ती जाएगी और बहुत ही हल्का होता जाएगा। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि सर्फ एक्सल
या फिर टाइट की बात करें तो बहुत ही हल्का होता है। तो दोस्तों उनके हल्का होने का राज यही होता है, वो लोग लगभग लगभग मैं आपको बता दूँ 60% से अबव फास्फेट्स मिलाते हैं। दोस्तों फास्फेट कई प्रकार के आते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्लास में कि फास्फेट्स कितने प्रकार के आते हैं। 12 से ज़्यादा प्रकार के आते हैं, दर्जनों रसायन आते हैं फास्फेट वर्ग के अंतर्गत। आर्थो और कॉम्प्लेक्स फास्फेट बहुत अच्छे आते हैं आर्थो फास्फेट से। कुछ फास्फेट जो ज़्यादातर यूज होती है उसके बारे में मैं अभी बताऊँगा। दोस्तों एक आता है डाई सोडियम फास्फेट। और एक आता है दोस्तों ट्राइसोडियम फास्फेट, और उसके बाद शायद डाइसोडियम फास्फेट क्रिस्टलिन है, ट्राइसोडियम फास्फेट क्रिस्टलिन है, सोडियम ट्राई पाली फास्फेट है, STPP सोडियम ट्राई पाली फास्फेट। दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से आता है सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट क्रिस्टलिन, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, टेट्रासोडियम पाइरोफॉस्फेट क्रिस्टलिन, डाई पोटेशियम फॉस्फेट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट यानी TPP ट्राई पोटेशियम फॉस्फेट, टेट्रापोटेशियम पाइरोफॉस्फेट, बहुत ज़्यादा फॉस्फेट होते हैं। सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट एक होता है ट्राइसोडियम फॉस्फेट। दोस्तों इन दोनों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, ट्राइसोडियम फास्फेट और सोडियम ट्राइपॉली फास्फेट। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक आता है सोडियम फास्फेट। तो दोस्तों सोडियम फास्फेट में सफाई क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम सफाई क्षमता होती है, लेकिन सोडियम फास्फेट का प्रयोग गुणवर्धक रसायन के रूप में किया जाता है, या वस्त्र के रेशों को यानी कपड़ा का जो भी रेशा होता है उसे कड़ा होने से बचाता है, यानी रेशमी कपड़ों को धोने वाले जो पाउडर बनाया जाता है उसमें सोडियम फास्फेट मिलाई जाती है, और सिर के बालों को रूखा होने से भी बचाता है। यही कारण है कि शैम्पू तथा ऊनी कपड़े धोने के पेस्टों या फिर शैम्पूओं में सोडियम फास्फेट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं किसी वीडियो में सोडियम फास्फेट के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करूंगा, तब तक दोस्तों ये क्लास क्लोज कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, अगले क्लास में हम कुछ और जानेंगे, सल्फेट और क्लोराइड्स के बारे में जानेंगे या फिर फोम बूस्टर, देखते हैं अगले क्लास में जो भी उचित लगता है, जो भी इम्पोर्टेंट है सीक्वेंस के रूप में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके सभी वीडियोज को सीक्वेंस में एक सीरियल नंबर में क्लास 1 से लेकर आगे तक सभी वीडियोज को देख सकते हैं।